नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने महाबली राजा का नाम तो सुना होगा। दोस्तों आज हम महाबली राजा के 10 रहस्य आपको बताने जा रहे हैं। राजा बली का जन्म कैसे हुआ, राजा बली पूर्व जन्म में क्या थे और किस प्रकार से अपने जीवन में उन्होंने बड़ी गलतियां की थी जिसका फल राजा बली को भुगतना पड़ा। दोस्तों असुरों के राजा बली या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा भी था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में देवी और देवता हिमालय क्षेत्र में रहते थे। हिमालय में ही देवराज इंद्र का एक क्षेत्र था जिसमें नंदन कानन वन था। इंद्र के इस क्षेत्र के पास ही गंधर्वों का क्षेत्र था। यहीं पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास किया करते थे। पहले धरती पर बर्फ की अधिकता थी और अधिकतर हिस्सा जलमग्न था। मानव गुफाओं में रहता था और सुर और असुर अपनी शक्तियों के बल पर संपूर्ण धरती पर विचरण किया करते थे। नागलोक का विस्तार दूर दूर तक था और समुद्र में विचित्र विचित्र किस्म के प्राणियों का जन्म हो चुका था। प्राचीन काल में सुर और असुरों का ही राज्य हुआ करता था। सुर को देवता और असुरों को दैत्य कहा जाता था। दानवों और राक्षसों की प्रजाति अलग अलग होती थी। गंधर्व यक्ष और किन्नर भी होते थे। असुरों और पुरोहित शुक्राचार्य भगवान शिव के भक्त और सुरों के पुरोहित बृहस्पति भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे। इससे पहले भृगु और अंगिरा ऋषि असुर और देव के पुरोहित पद पर थे। सुर और असुरों में साम्राज्य शक्ति प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। दुनिया में दो ही तरह के धर्मों का प्राचीन काल से झगड़ा होता आया है। एक वे लोग जो देवताओं के गुरु बृहस्पति को धर्म मानते हैं और दूसरे वो लोग जो दैत्यों यानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य को धर्म मानते आए हैं। राजा बलि का पूर्व जन्म की क्या कहानी है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वीडियो में लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि अपने पूर्व जन्म में एक जुआड़ी थे। एक जुए से उन्होंने कुछ धन जीता और उस धन से उन्होंने अपने प्रिय वेश्या के लिए एक हार खरीदा। बहुत खुशी खुशी ये हार लेकर जब वो जुआड़ी अपने वेश्या के घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही इनको मृत्यु ने घेर लिया। यह मरने ही वाला था लेकिन इसने सोचा कि अब ये हार अपनी वेश्या तक तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, चलो एक काम करते हैं, इसे भगवान शिव को ही अर्पण कर देता हूं। और ऐसा सोचकर हार भगवान शिव को अर्पण कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरकर जब वह यमराज के समक्ष उपस्थित हुआ तो चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर कहा कि इसने तो पाप ही पाप किए हैं, लेकिन मरते समय इसने जुए के पैसे से वेश्या के लिए हार खरीदा और वह हार शिव अर्पण कर दिया। ये ही एकमात्र इसका पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने उससे पूछा कि हे पापी, अब तू ही बता, तू पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? तब जुआड़ी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में पाप तो बहुत किए हैं, पहले मुझे पुण्य का फल दे दो। उस पुण्य के बदले उसे दो घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। इंद्र बनने पर वह अप्सराओं के नृत्य और सुरापान का आनंद लेने लगा। तभी नारद जी वहां पे आते हैं और उसे देख कर हंसते हैं और एक बात कहते हैं, अगर इस बात में संदेह हो कि नरक और स्वर्ग है तभी सत्कर्म कर लेना चाहिए, वरना अगर ये नहीं हुए तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
पर नास्तिक हुए तो वह जरूर मारा जाएगा। यह बात जैसे ही उसे ज्वाली ने सुने उसे होश आया और उसने दो घड़ी में ही इरावत नंदन वन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। इसके प्रताप से ही वह पापों से मुक्त हो गया और इंद्र बना और बाद में राजा बलि हुआ। दोस्तों आखिर बलि की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए अब आगे की इस कहानी में हम आपको बताते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के चार पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद के कुल में ही विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ था। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था तब धरती पर अंधकार छा गया था। देवी और देवताओं के साथ ही ऋषियों ने घोषणा की थी कि अब धरती पर शैतानी शक्ति का उदय हो गया है। सभी इसके प्रति चिंता व्यक्त करने लगे। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि को केरल में मवेली कहा जाता है। यह संस्कृत शब्द महाबली का तद्भव रूप है। इसे कालांतर में बलि लिखा गया और जिसकी वर्तनी सही नहीं जान पड़ती। देशभर में ऐसे कई समुदाय हैं जो राजा बलि के राज्य में प्रजाओं की सुख समृद्धि को स्मरण करते हैं और राजा बलि के लौटने की कामना करते हैं। केरल में मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध ओणम त्योहार महाबली की स्मृति में ही मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध पौराणिक पात्र वृत्र के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली था। माना जाता है कि मोटे तौर पर वृत्र या मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में जिन मानव समूहों को असुर, दैत्य, राक्षस, नाग आदि कहा गया वे सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे और वो मेघवंशी थे। आर्यों और अन्य के साथ इस भूमि पर अधिकार हेतु संघर्ष में वे पराजित हुए। अब बात आती है अश्वमेघ यज्ञ की। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेघ यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न करवाए और इस तरह के उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। और ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई जम्बूद्वीप के इलावर्त क्षेत्र में 12 बार हुई थी। देवताओं की ओर से गंधर्व और यक्ष होते थे तो दैत्यों की ओर से दानव और राक्षस। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। अब जो कहानी आगे आने वाली है वो है समुद्र मंथन की। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मद्रांचल को मथानी और वाशुक नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा
और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्य ने देवताओं का साथ देने का वचन किया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मदरांचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब भगवान विष्णु जी ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मदरांचल को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य अब आरंभ हो चुका था। श्री हरि विष्णु की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धसती ही चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कश्यप बनकर अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत को रख दिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, एरावत, पंचजान्य, शंख और अंत में कुंभ निकला, जिसे लेकर धनवंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे, ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। तभी श्री हरि विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। दैत्यों में मोहित होकर अमृत का कलश श्री हरि विष्णु को सौंप दिया गया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जिसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न ना करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इससे दैत्यों में भारी आक्रोश फैल गया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। सो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत